सूरत, जंगीपरा, सरोली, हमें सामने जो रोड दिखाई दे रहा है वो ओलपाड़, सारोली और ओलपाड़ की ओर जाता है। ओलपाड़ से फिर अंकलेश्वर भरूच जा सकते हैं। ये सूरत का मेन बाहर जाने वाला रोड भी है डायरेक्टली। ओके वेल, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो जंगीपरा का भाग है। सामने जो दिख रहा है उसमें दो, पहले टू लेन रोड था, अभी टू लेन की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे थ्री लेन और राइट हैंड साइड पे थ्री लेन, यानी पूर्व में थ्री लेन, पश्चिम में थ्री लेन, यानी ये सिक्स लेन रोड हो जाएगा। अभी बीच वाला जो पोर्शन जो है उसमें रोड और डिवाइडर बनेगा, जैसे कि ये सामने के पास में दिखता है, ये देखिए ऐसा रोड को डिवाइडर आगे तक खींचेगा। और ये भाग काफ़ी डेकोरेटिव अच्छा लगेगा, लुक भी अच्छा आएगा, और ये सब अभी फिनिशिंग स्टेज पे है, कुछ समय के बाद ये चालू हो जाएगा। सामने यानी कि देखो ये सामने जो ट्रक जा रही है वो आउटर रिंग रोड है, मेरी राइट हैंड साइड में आउटर रिंग रोड पे इच्छापुर जा सकते हैं, इच्छापुर से तापी नदी को क्रॉस करते हुए मगडला और मगडला से फिर सचिन जा सकते हैं। राइट हैंड साइड पे जो सामने का जो आउटर रिंग रोड है, जो इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी मिलेगी, वो यहाँ से जंगीपरा से वरियाओ, वरियाओ कोसाड़ होके मोटा वाड़ा छा घूम के फिर वापस हम लोग राइट हैंड साइड में सूरत करोड़ा रोड पर जा सकते हैं, और वही रास्ते से आगे जाके राइट हैंड साइड में जाके अमरोली से सायन रोड क्रॉस करके हम लोग नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी, आउटर रिंग रोड भी आरसीसी का बन रहा है, तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छा रोड बनेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि सूरत का जंगीपरा से सारोली ब्रिज टू लेन का था, अभी ये टू लेन की जगह पे 3+3 लेन यानी कि 6 लेन का बन जाएगा। सामने की साइड हम देखेंगे तो किरण, नई जो किरण मेडिकल कॉलेज भी है, और सबसे बड़ा विश्व का सेकंड नंबर का स्वामीनारायण जी का मंदिर भी बन रहा है कनाज में, तो इसके साथ ये पूरा एरिया का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा।